गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का 31 जनवरी के करेंट अफेयर की क्लास में। रोज सुबह के 6 बजे ये क्लास आपको दी जाती है, इस क्लास को रोज अटेंड करें। इसका PDF हम लोग आपको शेयर कर देते हैं इस वीडियो के खत्म होने के बाद yteducation के टेलीग्राम चैनल पे, तो दोस्तों वहाँ पे जाके हमें ज्वाइन कर लें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन होगा उसे दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के। तो चलिए लगाते हैं इस टेस्ट को, देखते हैं आप कितने उत्तर सही कर पाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे सिनारियो को देखना पड़ेगा आपको। जी हाँ, यहाँ पर ये पूरा जो सिनारियो है ये पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको दिया जाता है, तो एक क्वेश्चन के बदले यहाँ पे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको अलग से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस करेंट अफेयर की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है कि केरल एकेडमी मीडिया, जी हाँ, केरल मीडिया एकेडमी द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार को उत्कृष्ट मीडिया व्यक्ति के रूप में किसे चुना गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, आंसर होगा इट्स अ सी एन राम। अब ये है क्या, देखिए जो हिंदू समूह के अध्यक्ष हैं कौन, तो एन राम, ये कौन है ये पता चल गया आपको। इनको राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए चुना गया। एकेडमी की ये 40वीं वर्षगांठ थी, ये भी आप नोट कर लेंगे, है ना, 40वीं वर्षगांठ मनाई गई इसकी, इस एकेडमी की। और इसमें 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार प्रसिद्ध किया गया। जी हाँ, 1 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे, एन राम को, है ना। ये कब दिए जाएंगे, तो ये जो वितरण होगा, है ना, ये जो अवार्ड का जो भी यहाँ पे प्राइस दिया जाएगा, इनको अवार्ड ऑनर दिया जाएगा, ये मार्च में होगा, ठीक है, मार्च 2020 में। और ये कौन देगा इनको, तो यहाँ के केरल के, जी हाँ, भारत का एक दक्षिण राज्य है केरल, केरल के मुख्यमंत्री कौन है वो, तो पिनराई विजयन। आंसर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन के बदले यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है अक्सर कि केरल की कैपिटल सिटी कौन है, तो याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, ठीक है, तो गवर्नर का नाम बता दीजिएगा आरिफ मोहम्मद खान। कौन है यहाँ पे, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। तो दोस्तों यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मार्जन सारे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप लोग के साथ हम लोग। जी हाँ, आंसर यहाँ पे कर दीजिएगा इट्स अ बी स्लोवेनिया। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, ये राजनीतिक और अभिनेता और हास्य अभिनेता भी हैं, ठीक है, ये एक कलाकार भी हैं दोस्तों, जिन्होंने 2018 के बाद से स्लोवेनिया में नवे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे। यहाँ के नवे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, थोड़ा सा इंटरनेशनल है तो जरूर देख लीजिएगा इसको। अब देखिए स्लोवेनिया जो है ये एक गणराज्य है जो कि मध्य यूरोप में पड़ता है। ये जो मतलब कंट्री है स्लोवेनिया, है ना, ये कहाँ पड़ता है, तो मध्य यूरोप में पड़ता है। और जो एक अल्पस पर्वत, चूंकि स्लोवेनिया से यहाँ पे रिलेटेड है क्वेश्चन, तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल अगर देखा जाए तो अल्पस पर्वत जो है यहाँ की सबसे मुख्य पर्वतों में से एक है, ठीक है। अगर इसकी हम वेस्ट की बात करें, है ना, तो वेस्ट की बात करें तो दोस्तों इटली है। और अगर साउथ वेस्ट की बात करें, साउथ वेस्ट की, तो यहाँ पे अदित्रेती है, यहाँ पे कंट्री है अदित्रेती, ठीक है, जो कि इसके साउथ वेस्ट में है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑस्ट्रिया भी है, इस कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, ये भी आप नोट कर सकते हैं नॉर्थ में इसका। तो ज्योग्राफिकल पार्ट भी आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट अभी जो है दोस्तों ये कौन है, तो बॉट पोहार है, नोट कर लीजिएगा इट्स अ BORUT बॉट पोहार, है ना, नोट कर लीजिए, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। PM जो है अभी यहाँ पे कौन बने हैं दोस्तों, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मार्जन सारी कौन बने हैं, सारे जो थे ये मार्क कीजिएगा, अभी ये पुराने थे, इस्तीफा दे दिया इन्होंने, मार्जन सारे ये जो कि इस्तीफा दे चुके हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये अभी नए यहाँ पे चुने नहीं गए हैं प्रधानमंत्री यहाँ के फिलहाल। कैपिटल पूछ सकता है इसका, है ना, अगर देखिए करेंट का क्वेश्चन है तो कैपिटल पूछ सकता है, तो ल्यूबिलिया, नोट कर लीजिएगा ल्यूबिलिनिया, ठीक है, आंसर है LUBLIANA ल्यूबियाना, ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए ये इसका क्या है, कैपिटल सिटी है। करेंसी यहाँ पे यूरो होती है, चूंकि यूरोप का है ये
एक कंट्री, तो यूरो यहाँ की करेंसी होती है। ओके काफी यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमामि गंगे, देखिए भारत से क्वेश्चन आ गया। अब नमामि गंगे मिशन के तहत 5 दिवसीय गंगा यात्रा किस राज्य से शुरू की गई है? बिल्कुल अगर आपका उत्तर आ रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश, तो आप यहाँ पे उत्तर बिल्कुल सही कर रहे हैं। नमामि गंगे के मिशन के तहत 5 दिवसीय गंगा यात्रा उत्तर प्रदेश के कौन से शहर से, तो ये लिख लीजिएगा बिजनौर, है ना, बिजनौर से बलिया तक। बलिया जो है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, ठीक है। बिजनौर बलिया से शुरू हुई है और ये बलिया तक जाएगा जो यात्रा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जैव विविधता को बढ़ावा देना है और इसके साथ साथ यहाँ की जो पड़ोसी इसका राज्य है उत्तराखंड, जो कि इससे कट के ही बना था, ठीक है, उनके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, ये ध्यान रखिएगा, और केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान, इन्होंने साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बिजनौर से यात्रा गंगा उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है, जहां से यात्रा को हरी झंडी दिखाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेरित यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जो जैव विविधता है उसको बढ़ावा देना और पवित्र नदी के किनारे स्थित गाँवों को अधिक विकसित और समृद्ध बनाना है। ये इसका उद्देश्य है नमामि गंगे का मिशन का, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या क्या बनेगा। एक तो है यहाँ की यूपी के मुख्यमंत्री मैंने बता दिया योगी आदित्यनाथ, ठीक। उसके अलावा यहाँ के गवर्नर जो हैं ये हैं आनंदी बेन पटेल, ये भी आप नोट करेंगे, ठीक। तीसरा यहाँ पे जो लखनऊ जो है इसकी कैपिटल सिटी है, ओके। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है यहाँ के CM है, यहाँ से रिलेटेड है, और यहाँ का जो कैपिटल सिटी है वो देहरादून पड़ता है, ठीक, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, आंसर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गति पोर्टल लॉन्च किया है? तो गति पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी। देखिए आपको बता दें कि भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग है ना, NH हाईवे और जहाजरानी और जल संसाधन और नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं, तो इनको इतना पदभार दिया गया है, तो ये एक गद्दावर नेता भी हैं BJP के। गति पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जी हाँ, केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन और लघु उद्योग माध्यम से उद्योग नितिन गडकरी मंत्री हैं हमारे, उन्होंने ऑनलाइन वेब पोर्टल गति लॉन्च कर दिया है और इन्होंने आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय मार्ग NHAI, अब देखिए NHAI क्या है, तो भारत सरकार का एक उपकरण है जिसे हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो दोस्तों लिख लीजिएगा न्यू दिल्ली आता है ना, न्यू दिल्ली में आता है, तो ये भी एक नोटेबल है चीज NHAI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, ये क्वेश्चन बनता है। इसकी स्थापना पूछ सकता है तो 1988 है, ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन जो इसका कार्य किया गया स्टार्ट 1995 से किया, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे NHAI के द्वारा ये पोर्टल तैयार कर दिया गया है और इसके मुद्दे जो हैं उस पर जो इसके ठेकेदार हैं जो यहाँ पे सड़क में काम होते हैं, ठीक है, वो ठेकेदार भी यहाँ पे मुद्दे उठा सकते हैं, ऐसा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल है यहाँ पे नितिन गडकरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6-5। तो 62वें ग्रैमी में दिए गए पुरस्कारों के आधार पर निम्नलिखित का मिलान करना है। अब देखिए कुछ अवार्ड दिए गए थे उसका मिलान सही व्याख्या करना है आपको यहाँ पे। तो 62वां जो वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह हुआ है वो इस बार हुआ है दोस्तों कहाँ पे, तो लिख लीजिएगा लॉस एंजलिस, है ना, लॉस एंजलिस, स्पेलिंग देखिए थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, है ना, तो लॉस एंजलिस में इसका सम्मेलन हुआ और ये इसका सेंटर कहाँ था, तो स्टेपल्स एंजलिस के स्टेपल्स शहर एक, ठीक है। ग्रेमी अवार्ड जो है दोस्तों जिसे मूल रूप से हम लोग ग्रामोफोन अवार्ड कहते हैं, ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप लोग क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वहाँ का आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो ग्रामोफोन अवार्ड कहा जाता है, ठीक, इसको। और संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है और यह एक पुरस्कार है, जी हाँ, और ट्रॉफी में एक सोने का पानी चढ़ा हुआ परत रहता है जो कि ग्रामोफोन का वो अवार्ड दिखता है जैसा, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं। लॉस एंजलिस के स्टेपल्स में ये आयोजन किया गया था। अब इसको मैच करते हैं,
ठीक है, तो सही मिलान करना है आपको यहां पे। तो देखिए बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड दिया गया दोस्तों यहां पे किसको, तो यहां पे नोट कर लीजिएगा दोस्तों ईगर को, जो कि टाइलर द क्रिएटर जो इसका एल्बम था इन्होंने गाया था। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों किसको, तो बैड गाई जो कि बिली इलिश को मिला है। ठीक है, आंसर यहां पे हमारा टू हो जाएगा। ठीक है, और ये बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों, तो ये दिया गया है दोस्तों बिली इलिश को ही दिया गया है, तो यहाँ पे उत्तर हमारा थर्ड हो जाएगा। और जो एल्बम ऑफ द ईयर है ये दिया गया है दोस्तों किसको, तो व्लेन वी ऑल ऑफ एस्लिप वेयर डू वी गो, ये इस गाने के लिए, इस एल्बम के लिए दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर। तो हमारा आंसर यहाँ पे मैच करता है डी से दोस्तों, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 20 किस शहर में आयोजित किया गया। तो आपको बता दें कि ये तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन हुआ, जी हाँ, ये शहर है दोस्तों गांधीनगर, गुजरात का कैपिटल सिटी। जी हाँ, 2020 का ये तीसरा संस्करण था, गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया गया। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको इनॉग्रेशन किया गया। नीदरलैंड इस सम्मेलन का सहयोगी देश बना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नीदरलैंड है क्या इसका सहयोगी देश बना था इस कार्यक्रम का। और यह कॉन्क्लेव भारतीय आलू संघ, जिसे हम लोग आईपीए के नाम से जानते हैं, है ना, आईपीए के नाम से जानते हैं, और उसके द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे हम लोग ICAR कहते हैं। देखिए ICAR जो है इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, क्योंकि ये इंडियन है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है दोस्तों, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ से जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना यहाँ से, वो आपको नोट करने होंगे, नहीं तो आप लोग वीडियो सुन के सब खत्म कर देंगे, PDF लेने से कोई मतलब है नहीं, है ना। जो भी है आपको वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, है ना। तो केंद्रीय आलू संधान संस्थान जो है वे शिमला और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा के पेरू के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कहाँ, तो शिमला जो कि भारत का है, और पेरू जो कि एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, इसके माध्यम से ये सम्मेलन किया जा रहा है। तो ये तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 जो है ये गांधीनगर गुजरात में किया गया, जिसका इनॉग्रेशन यहाँ पे किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ठीक है, ICAR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये नोट कर लेंगे, और इसे शिमला और लीमा पेरू के सहयोग से आयोजित किया गया था इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता है। आंसर करिए दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल उत्तराखंड ने, आंसर करेंगे दोस्तों उत्तराखंड। अब देखिए उत्तराखंड की जो गठन हुई थी ये राज्य की, ये हुई थी 9 नवंबर 2000 को। ठीक, ये स्थापना दिवस है इस राज्य की। इसके जो मुख्यमंत्री है मैंने आपको बताया कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी की सरकार है अभी यहाँ पे। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो बेबी रानी मौर्य, ये नोट कर लेंगे आप यहाँ पे, है ना। और इसकी कैपिटल सिटी तो देहरादून होती है, इतना याद रहेगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार क्यों दिया गया भाई, इसके बारे में जान ले जरा, क्योंकि देखिए उत्तराखंड जो है ये संस्थान श्रेणियों में आते हैं, जो कि आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के मुन सिंह और को आपदा प्रबंधन क्षेत्र में उनको उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको क्या दिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस के अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 का। किसको, तो भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं ये, कौन, तो मुन सिंह, है ना, मुन सिंह इनका नाम है। ठीक है, याद रखेंगे, इनको दिया गया है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस राज्य को आपदा प्रबंधन पुरस्कार में उत्तराखंड को 51 लाख रुपए, है ना, ये याद रखिएगा, 51 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा, और संस्था को दिया जाएगा जो विजेता संस्था है यहाँ का। ठीक है, और इसके लिए उसके बाद जो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे जो इनको अवार्ड दिया जाएगा वो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से ये नगद पुरस्कार होंगे। और आपको बता दें कि जो संस्था है उसके विजेता होने की स्थिति में उन्हें एक प्रमाण पत्र भी साथ में दिया जाएगा इस 51 लाख के साथ साथ, जो संस्था जीतेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो
भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं मून सिंह, उनको व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ का मुख्य उद्देश्य है इस क्वेश्चन को इतना बताने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिखा है कि 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म था कटक में, और ये 18 अगस्त 1945 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, ताइवान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि 2018-19 में सब्जी उत्पादन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो सब्जी उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे अभी पश्चिम बंगाल आ चुका है, और याद रखेंगे दूसरे स्थान पे अगर पूछे है ना तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दूसरे स्थान पे पूछे तो अब यहां से आपको बताना चाहते हैं कि 2.77 करोड़ टन है ना, करोड़ टन की यहाँ पे जो सब्जी उपजाने की जो इस बार की जो कैलकुलेशन था वो किया गया है, उसमें बताया गया है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल शीर्ष पे रहा और दूसरे पे उत्तर प्रदेश रहा। ठीक, और यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि सीएम कौन है यहाँ के, तो ममता बनर्जी, याद रखेंगे आप लोग। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनकर हैं। कौन है? जगदीप धनकर, ये नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की राजधानी कलकत्ता होती है। ओके, तो इतना याद रहेगा ना आपको, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये है ममता बनर्जी जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओप्पो ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ओप्पो जो है एक मोबाइल कंपनी है, इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग किया है किसको, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि IIT हैदराबाद होता है। जी हाँ, ये हैदराबाद के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ यहाँ पे दोस्तों। इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ओप्पो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT हैदराबाद के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें कि कैमरा तस्वीर को प्रोसेस करने में बैटरी 5G नेटवर्क को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगले 2 साल में कई परियोजनाओं पर शोध करेगा। तो यहाँ पे 5G नेटवर्क के बारे में चर्चा हो रही है अब पूरे देश में, तो यहाँ पे ओप्पो जो है इसमें इसका सहयोगी बनेगा IIT हैदराबाद का। दोस्तों हैदराबाद जो है ना वो तेलंगाना की राजधानी होती है। ठीक है, तेलंगाना जो है हमारे देश का एक राज्य बना है अभी नया, और इसकी राजधानी होती है हैदराबाद। यहाँ के CM का नाम क्या है, तो CM है दोस्तों यहाँ पे के चंद्रशेखरन राव। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, के चंद्रशेखर राव। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है तेलंगाना के अभी, तो ये है तमिलिसाई सो उदराजन। ये एक फीमेल है। ठीक है, इनका नाम है तमिलिसाई सो उदराजन। ठीक है, ये नाम अभी लिख नहीं पाऊंगा, यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा। तमिलिसाई एक बार लिख लीजिएगा आप लोग भी, है ना, सो उदराजन। चलिए, ये इनका नाम है। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए, इतना काफ़ी है यहाँ से। अगला प्रश्न, कोबे ब्रायंट, ये देखिए एक खिलाड़ी हैं, और ये खिलाड़ी का भी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? बिल्कुल आंसर करेंगे, ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो दिन है ये सरस्वती पूजा के दिन से पूरा आज दिन माहौल में रहा, जिसके चलते कल आपका करेंट अफेयर के बाद कोई वीडियो नहीं आ पाया था। लेकिन मैंने एक स्टैटिक जीके का, है ना, स्टैटिक जीके का एक वीडियो डाला था जो कि खेल यूथ गेम्स से है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से रिलेटेड वो वीडियो, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसका मैंने PDF भी आपको yteducation पे शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। लेकिन वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, क्वेश्चन एक के बदले दो वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, तो आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।